नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस। तृणमूल के निर्वाचित सदस्य के हाथ 155 मीटर सड़क का निर्माण कार्य का शुभारंभ। काफी समय से ग्रामीणों को कच्ची सड़कों बराबरशाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार संबंधित क्षेत्र के पंचायत के पहल शहरी चंद्रपुर दो ब्लॉक के मोलियोर गाँव में नई कंक्रीट वाली सड़क का काम शुरू हो गया है। मालदा जिला परिषद तृणमूल पार्टी के निर्वाचित सदस्य मर्जिना खातून ने सोमवार को मोलियोर दो ग्राम पंचायत की सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। तृणमूल के हरिश्चंद्रपुर दो ब्लॉक अध्यक्ष तबारक हुसैन और अन्य उपस्थित थे। इस दिन ग्राम पंचायत मोलियोर दो में अब्दुल रसीद के घर में मुजमेल मिस्त्री के घर तक 155 मीटर सड़क का निर्माण किया गया। लंबे समय से सड़क पर आवागमन में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मर्जिना खातून ने कहा, संबंधित पंचायत अधिकारी ने इसे ध्यान में रखते हुए सड़क बनाने की पहल की है। मासूम बच्चे के इलाज के लिए मदद की अपील। फुलबारी के मजदूर बस्ती निवासी महबूब हुसैन केवल 2 साल और 6 महीने के हैं। वो फिलहाल फेफड़े की जटिल बीमारी से पीड़ित है। इस मासूम बच्चे के परिवार की ओर से इलाज की मदद के लिए सहायता की अपील की गयी है। जलपाईगुड़ी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन के तहत जलपाईगुड़ी गैदर खुरा जमादार पाड़ा बहादुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। काली पूजा के अवसर पर इस क्षेत्र में मेला लगेगा और इस मेले में दैवीय संदेश भी फैलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्योगिनी बी के नीतू ने किया। जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयंत कुमार राय एवं अन्य उपस्थित थे। आयोजकों ने बताया कि रात तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दिन इस केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र के कई लोगों को स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य जाँच के साथ साथ मुफ्त दवा भी उपलब्ध कराई गयी है। ये सेवा कोलकाता के डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस दिन इस केंद्र में आध्यात्मिक ज्ञान पर भी चर्चा की जाती है। मथुरा के चंद्रोदय मंदिर की तर्ज पर बना है जलपाईगुड़ी के देशबंधु नगर उत्तर पालिका का श्यामा पूजा पंडाल। इस बार भी मथुरा का चंद्रोदय मंदिर की तर्ज पर बना है जलपाईगुड़ी के देशबंधु नगर उत्तर पालिका की श्यामा पूजा पंडाल। भव्य पंडाल के साथ ही लाइटिंग की अद्भुत झलकियां प्रस्तुत की गई है। साथ ही लेजर लाइटों से अलग अंदाज देने की कोशिश भी की गई है। उद्यमियों को उम्मीद है कि यह पंडाल दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होगा। रविवार रात काली पूजा के साथ ही लोगों की भीड़ इस पंडाल में उमड़ने लगी है। सिलीगुड़ी से भी काफी संख्या में दर्शनार्थी काली पूजा पंडाल देखने आए हैं।